हेलो फ्रेंड, आज की क्लास में हम लोग समझेंगे डिफरेंशिएशन में एक्सरसाइज 11.4 का पार्ट 9। हम लोग अगले क्लास में समझ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 17 तक। तो आज से हम लोग समझेंगे, आज की क्लास में समझें क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है 2 के पावर x प्लस x के पावर y इक्वल टू 1, तो डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। तो क्या ज्ञात कीजिए? डी वाई बाई डी एक्स। ये क्वेश्चन नंबर 18 है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट है। तो देखिए 2 के पावर x प्लस x के पावर 5 बराबर 1, तो साबित करना डी वाई बाई डी एक्स, इसका वैल्यू ज्ञात करना है। तो ये वेरिएबल पर वेरिएबल जब फंक्शन आ जाता है, तो उस तरीके का फंक्शन का डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करते, लेट किया जाता u और v, a बराबर में 1 है। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो u का डिफरेंशिएशन du बाई डी एक्स और v का dv बाई डी एक्स, 1 का हो जाएगा 0। तो अब हम लोग देखेंगे डी यू बाई एस को समीकरण फर्स्ट बना लीजिए, और यू बराबर क्या लेट किया गया, 2 के पावर x, तो यू बराबर 2 के पावर x। अब डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, यू का डिफ्रेंशिएट डी यू बाई डी एक्स और 2 पर पावर x, मतलब a पर पावर x का डिफ्रेंशिएट होता है a पर पावर x इंटू लॉग a, और अगर एक के जगह पे 2 हो गया तो 2 पर पावर x इंटू लॉग 2 हो जाएगा। तो 2 पर पावर x का डिफरेंशिएशन 2 पर पावर x इंटू लॉग 2, ये आ गया क्या, डी यू बाई डी एक्स। अब हम लोग ज्ञात कर लेंगे डी भी 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 बराबर क्या लेट किया गया, x के पावर बाई, दोनों तरफ लॉग लगा, लॉग भी log x के पावर बाई, तो यहाँ हो जाएगा log भी ये पावर गुना में, तो बाई इंटू log x। अब डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, log भी का 1/v और डी भी बाई डी एक्स, बाई का डी बाई बाई डी एक्स, तो log x को कांस्टेंट रखेंगे प्लस, अब y को कांस्टेंट रखेंगे log x का 1/x, v को इधर ले आइए, तो dv by dx बराबर v d by dx और log x, v को इसमें भी मल्टीप्लीकेशन हो, यहाँ पे रहने दीजिए प्लस में y बटा x, ये मिल गया dv by dx। अब चल दीजिए समीकरण फर्स्ट से, फर्स्ट में क्या du by dx, du by dx का मान कितना 2 के पावर x log 2 प्लस। अब dv by dx का वैल्यू यहां से, तो v को अंदर मल्टीप्लीकेशन करके d by dx into v log x, अब प्लस में यहां पर हो जाएगा v into y बटा x और बराबर में क्या 0। हमें निकालना क्या है डी वाई बाई डी एक्स, तो ये डी वाई बाई डी एक्स को रहने दीजिए, डी वाई बाई डी एक्स को भी का वैल्यू रख दीजिए एक्स के पावर बाई, तो यहाँ हो जाएगा लॉग एक्स बराबर, ये प्लस वाला इन्हें आएगा तो माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाई भी का वैल्यू रख दीजिए, भी का वैल्यू एक्स के पावर बाई इंटू बाई वटा एक्स, प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस में 2 के पावर x log 2, यहां लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स के पावर बाई डी वाई बाई डी एक्स, तो एक्स के पावर बाई और लॉग एक्स बराबर में यहां आ गया, ये ऊपर जाएगा तो घट जाएगा माइनस एक्स के पावर बाई माइनस 1 इंटू बाई और माइनस में 2 के पावर x इंटू लॉग 2। तो अब इसको बटा में कर दीजिए, तो डी बाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा
माइनस एक्स के पावर बाई माइनस वन इंटू बाई टू के पावर एक्स लॉग टू, अब बटा में हो जाएगा एक्स के पावर बाई लॉग एक्स, ये हो गया आंसर इसका डी वाई बाई डी एक्स। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 11-18 का सेकेंड करा एक्स के पावर बाई प्लस बाई के पावर एक्स बराबर वन, तो दिखाइए डी वाई बाई डी एक्स। तो इसको u और इसको v मान लीजिए a वन, तो अब इसका डिफ्रेंशिएट लेट कर दीजिए और डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, v का हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स, v का डी वी बाई डी एक्स इक्वेशन और वन का जीरो इक्वेशन फर्स्ट। अब u को क्या माना गया x के पावर बाई, तो अब और भी को क्या माना गया अब y के पावर x, अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों तरफ log लगा के, log x के पावर y यहाँ भी log लगा के log भी, तो log y के पावर में x, तो y इधर log भी u और a y गुना हो जाएगा y इंटू log x। अब डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लॉग यू का वन वटा यू और डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा, यू इन टू भी तो बाई का डी बाई बाई डी एक्स, तो लॉग एक्स को कांस्टेंट में रखेंगे अब प्लस, अब बाई को कांस्टेंट में लॉग एक्स का वन बाई एक्स, यू को इधर भेज देते हैं तो यहाँ हो जाता है डी यू बाई डी एक्स बराबर यू, और यहाँ हो जाएगा डी बाई बाई डी एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस में बाई वटा एक्स। तभी क्या किए यू को इस साइड मल्टीप्लीकेशन कर दिया गया, अब यहाँ से हो जाएगा लॉग भी और ए एक्स मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा एक्स इंटू लॉग बाई, अब डिफ्रेंशिएट कर दे लॉग भी का वन वटा भी और डी भी बाई डी एक्स, एक्स का वन तो लॉग बाई को कांस्टेंट में रखेंगे और प्लस एक्स को कांस्टेंट रखेंगे, लॉग बाई का वन बटा बाई और बाई का डी बाई बाई डी एक्स, भी को ऐसा मल्टीप्लीकेशन कर देता डी भी बाई डी एक्स, तो भी और वन गुना लॉग बाई तो लॉग बाई प्लस में एक्स गुना वन एक्स बटा बाई और डी बाई बाई डी एक्स, ये हो गया। अब चल दीजिए समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट में क्या डी यू बाई डी एक्स का क्या मान निकल गया है, तो u को अंदर मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो हो जाएगा u डी बाई बाई डी एक्स लॉग एक्स, लॉग एक्स प्लस प्लस बाई बटा भी u u और x बाई बटा एक्स बाई बटा एक्स और प्लस प्लस, अब डी भी बाई डी एक्स, डी भी बाई डी एक्स भी को अंदर मल्टीप्लीकेशन कर भी लॉग बाई और प्लस में भी एक्स बटा बाई और डी बाई बाई डी एक्स बराबर में जीरो, बराबर में जीरो। अब डी बाई बाई डी एक्स को डी बाई बाई डी एक्स की एक जगह लिख दीजिए तो यू यू का वैल्यू पुट करके क्या एक्स के पावर बाई, एक्स के पावर बाई लॉग, तो ए डी बाई बाई डी एक्स, डी बाई बाई डी एक्स कॉमन लेते यहाँ पे लॉग लॉग एक्स, ये प्लस वाला नहीं आएगा तो माइनस में भी का वैल्यू पुट करके बाई के पावर एक्स और बाई के पावर एक्स बटा में एक्स बटा बाई, प्लस वाला नहीं आएगा तो माइनस में बराबर 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 ए प्लस माइनस प्लस वाला टर्म होने जाएगा तो माइनस में भी का वैल्यू बाई के पावर एक्स लॉग बाई और ए प्लस वाला टर्म इधर आएगा तो माइनस में यू का वैल्यू एक्स के पावर बाई इंटू बाई वटा एक्स। अब इसको लिख लीजिए डी बाई बाई डी एक्स एक्स के पावर बाई लॉग एक्स माइनस बाई, ये पावर वन है ऊपर घट जाएगा तो एक्स माइनस वन इंटू एक्स बराबर माइनस बाई के पावर एक्स लॉग बाई, लॉग बाई
यहाँ पे पावर एक जाकर घट जाएगा, एक्स के पावर बाई माइनस वन इंटू बाई हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे अब ए वाला टर्म को बटा में कर दीजिए, तो डी बाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस में बाई के पावर एक्स इंटू लॉग बाई और माइनस एक्स के पावर बाई माइनस वन इंटू बाई नीचे आ जाएगा, तो एक्स के पावर बाई लॉग एक्स माइनस बाई के पावर एक्स माइनस वन इंटू एक्स, ये हो गया आंसर इसका। तो क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट देखिए, ए बाई बराबर इतना कर रहा है डी बाई बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। जब फंक्शन वेरिएबल पर वेरिएबल हो या बहुत बड़ा फंक्शन हो, उस कंडीशन में फंक्शन का डिफरेंशिएट करने के लिए लॉग का यूज करते, किसका यूज करते, लॉग का यूज करते। जब फंक्शन वेरिएबल पर वेरिएबल मतलब चर पे चर हो या बहुत बड़ा फंक्शन हो, मतलब देखिए ना इसमें बहुत से फंक्शन समाया हुआ हो, तो उस फंक्शन का डिफरेंशिएट करने के लिए किसका यूज करते, लॉग का। जैसे इसका डिफरेंशिएट करने के लिए लॉग का यूज करेंगे, दोनों तरफ लॉग लगा लीजिए, लॉग हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट फोर एक्स और प्लस में थ्री वाटा थ्री एक्स प्लस वन के होल स्क्वायर, ए लिख लिए। तो यहाँ हो जाएगा लॉग बाई लॉग एम बटा एन, ऊपर में एम समझिए पूरा को बटा में एन, तो हो जाएगा लॉग एम 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 अब माइनस में लॉग एन, तो लॉग एन थ्री एक्स प्लस में वन का स्क्वायर, ए लगा लिए लॉग एम बटा एन, तो लॉग एम और माइनस में लॉग एन होता है, तो लॉग बाई रह गया। फिर से फॉर्मूला लग रहा लॉग ए वाला एम और ए वाला एन, तो लॉग एम इंटू एन, तो फॉर्मूला होता है लॉग एम और प्लस में लॉग एन, तो फोर एक्स प्लस में थ्री माइनस ए पावर लॉग एम पर पावर एन पे बैठ गया, तो गुणा हो जाएगा टू इंटू लॉग थ्री एक्स प्लस में वन। यहां पे लिख लेंगे लॉग बाई ए पावर गुना में टू इंटू लॉग एक्स प्लस, रूट मतलब होता है हाफ, तो इसके पावर हाफ है तो हाफ गुना में आ जाएगा, तो बच जाएगा लॉग फोर एक्स प्लस में थ्री माइनस में टू लॉग थ्री एक्स प्लस वन। अब पूरा लॉग क्या क्या फॉर्मूला टूट गया, अब डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लॉग बाई का डिफ्रेंशिएशन वन बटा बाई और फिर डी बाई बाई डी एक्स, तो दो तो कांस्टेंट है रह जाएगा, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन वटा एक्स प्लस में एक वटा दो, तो लॉग इस पूरे को समझेंगे एक्स, तो लॉग एक्स का हो जाएगा वन वटा एक्स और एक्स के साथ क्या गुना चार, तो चार लिख देंगे। अब माइनस टू, तो इस लॉग का डिफरेंशिएट इसको एक समझ के, तो क्या हो जाएगा वन वाटा थ्री एक्स प्लस वन इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन वन, तो थ्री कांस्टेंट में है तो थ्री रह जाएगा और वन का जीरो तो वन का जीरो। अब इसको डी बाई बाई डी इसको इधर ले आइए, तो यहां लिख लेते हैं डी बाई बाई डी एक्स, तो बाई आकर मल्टीप्लीकेशन में, तो दू गुना वन तो दू बाटा एक्स, फिर यहाँ पर कट जाएगा तो ए दू, तो दू गुना वन तो दू बटा फोर एक्स प्लस थ्री, फोर एक्स प्लस में थ्री और माइनस तीन दूना छ, माइनस तीन दूना छ थ्री एक्स प्लस में वन, थ्री एक्स प्लस वन, ए हो गया। अब बाई का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो बाई का वैल्यू क्या दिया हुआ ए, यहां से हो जाएगा एक्स स्क्वायर अंडर रूट फोर एक्स प्लस में थ्री बटा में थ्री एक्स प्लस वन के होल स्क्वायर, यहां पर हो जाएगा एक्स
और टू बाई एक्स और प्लस में टू बाई फोर एक्स प्लस थ्री माइनस सिक्स बटा थ्री एक्स प्लस में वन, यही हो गया आंसर इस फंक्शन का डिफरेंशिएट। तो क्वेश्चन नंबर समझिए 19 का सेकेंड करा, बाई बराबर इतना है तो डी वाई बाई डी ज्ञात कीजिए। इस फंक्शन में भी यह बड़े फंक्शन है तो इसमें भी क्या लगा लीजिए लॉग, तो ये हो जाएगा लॉग 2 इंटू एक्स और माइनस में साइन 2x साइन एक्स, साइन एक्स के पावर 3 बाई 2 बटा में क्या है रूट एक्स बटा में रूट एक्स, ये हम लोग दोनों तरफ क्या लगा लिए लॉग, ये हो जाएगा लॉग बाई तो लॉग m ऊपर में m और बटा n, तो लॉग m बटा n, तो क्या फॉर्मूला होता है लॉग m m m माइनस में लॉग n, n क्या बन चुका है रूट एक्स। अब फिर यहाँ पे लॉग का फॉर्मूला लगेगा लॉग m 2 क्या बन चुका है m इंटू n, तो लॉग m और प्लस में लॉग n, तो x माइनस में साइन x के पावर 3 बाई 2 और माइनस रूट मतलब हाफ, तो x के पावर हाफ तो हाफ गुना में हो जाएगा और मिल जाएगा लॉग x लॉग x। अब यहाँ पे लॉग बाई बराबर में लॉग 2 प्लस में ये 3 बाई 2 क्या में हो जाएगा गुना में 3 बाई 2 लॉग एक्स माइनस में साइन एक्स माइनस में एक बटा 2 लॉग एक्स। अब लॉग का सारे फॉर्मूला यूज हो गया लग गया, अब डिफ्रेंशिएट करेंगे डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लॉग बाई का 1 बटा बाई और बाई का डी वाई बाय डी एक्स, लॉग 2 तो कांस्टेंट है कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएट 0, 3 बाई 2 रह जाएगा, लॉग के लिए ये कैपिटल एक्स बन चुका है तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएट 1 बटा एक्स माइनस में साइन एक्स होगा इनटू एक्स का डिफरेंशिएट 1 और साइन का डिफरेंशिएट हो जाएगा कॉस एक्स और माइनस एक बटा 2 रह जाएगा, लॉग एक्स का डिफरेंशिएट क्या हो जाता 1 बाई एक्स हो जाएगा। अब बाई को इधर भेज दीजिए तो लिख लेंगे डी बाई बाई डी एक्स, तो बाई धरा के मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा तो 3 बटा 2 इंटू इंटू 1 गुना इतना तो 1 माइनस में कॉस एक्स और यहाँ पर एक्स माइनस साइन एक्स, एक्स माइनस में साइन एक्स और माइनस माइनस एक गुना एक और 2x, ये हो गया और बाई का वैल्यू पुट कर दीजिए और यही आंसर पा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 20 का फर्स्ट कह रहा है कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x का डिफरेंशिएट ज्ञात कीजिए। इस फंक्शन को डिफरेंशिएट लॉग लगा के भी कर सकते और डायरेक्ट भी कर सकते, तो बड़े फंक्शन जब आ जाए एक से या तीन से अधिक मतलब दो से अधिक जब फंक्शन आ जाता है तो उस फंक्शन को लॉग लगा के डिफरेंशिएट करना आसान होता है, तो इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए क्या कर दीजिए लॉग लगा लीजिए, तो इतना बराबर लेट कर दीजिए बाई इक्वल टू ये दिया हुआ तो दोनों तरफ लॉग लगा लीजिए लॉग बाई लॉग कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। फॉर्मूला याद होना चाहिए लॉग का लॉग एम एन पी क्या होता है लॉग एम प्लस में लॉग एन प्लस में लॉग पी ये होता है, तो ये हो जाएगा लॉग बाई तो यहाँ पर हो जाएगा लॉग कॉस एक्स और प्लस में लॉग कॉस 2x प्लस में लॉग कॉस 3x, इससे लिख लिए। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लॉग बाई का 1 बटा बाई और बाई का डी बाई बाई डी एक्स, इस लॉग के लिए एक कैपिटल एक्स बन चुका तो लॉग एक्स का हो जाएगा 1 बाई एक्स, फिर
लॉग के लिए कैपिटल एक्स था तो हो गया 1 बाई एक्स कैपिटल एक्स कॉस। अब कॉस का डिफरेंशिएट क्या होता है, माइनस में साइन एक्स प्लस। फिर से अब इसका करेंगे, ये एक्स बन चुका है किसके लिए, लॉग के लिए, तो लॉग का 1 बटा कॉस 2x इंटू कॉस का डिफरेंशिएट माइनस में साइन 2x और फिर 2x का 2 प्लस। अब लॉग के लिए ये कैपिटल एक्स, तो लॉग का डिफरेंशिएट 1 बटा कॉस 3x। अब कॉस का डिफरेंशिएट माइनस में साइन 3x और x 3x का डिफरेंशिएट हो जाएगा 3। अब इसको लिख लीजिए, बाई को इधर भेज दीजिए, तो डी बाई बाई डी एक्स, तो बाई आकर मल्टीप्लीकेशन में साइन बटा कॉस लिख सकते हैं टेन एक्स, माइनस प्लस माइनस दो को आगे लिख दीजिए, साइन बटा कॉस टेन टू एक्स, टेन टू एक्स, और प्लस माइनस माइनस थ्री को आगे लिख दीजिए, साइन बटा कॉस तो टेन थ्री एक्स। ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का फर्स्ट। अब बाई का वैल्यू यहां से पुट करके रख सकते हैं आंसर, हाँ बाई बराबर क्या रख सकते हैं, कॉस कॉस एक्स कॉस टू एक्स कॉस थ्री, ये पुट कर दीजिए और ये वैसे रह जाएगा, आंसर हो गया। इसी प्रकार से 20 का सेकेंड बना लेंगे, कॉस के जगह पे क्या हो गया साइन, कॉस के जगह पे साइन एक्स हो गया है, साइन टू एक्स और साइन थ्री एक्स। एक क्वेश्चन इसी प्रकार से खुद से बना लेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 20 का सेकेंड भी हो गया। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 20 का थर्ड, ये कह रहा है इस फंक्शन का डिफरेंशिएट कीजिए, तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएट के लिए हम लोग दोनों तरफ लॉग लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ये बहुत बड़ा फंक्शन है, तो इसमें ढेरों सा फंक्शन है, तो दोनों तरफ लॉग लगाएंगे तभी ये हम लोग को आसान लगेगा बनाने में। तो दोनों तरफ लॉग लगा दिए, एक्स माइनस वन के होल स्क्वायर टू एक्स प्लस वन और एक्स प्लस में थ्री ई के पावर एक साइन एक्स, टी हो जाएगा लॉग बाई लॉग एम बटा एन, तो होता है लॉग एम एम, ये पूरा एम है एम, माइनस में लॉग एन ए वाला काम कर रहा है, ई के पावर एक्स साइन एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे लॉग बाई फिर से फॉर्मूला लग रहा है लॉग एम एन पी, तो लॉग एम एन पी, तो ये क्या हो जाएगा लॉग में बट जाएगा, तो लॉग एक्स माइनस वन की होल स्क्वायर प्लस लॉग टू एक्स प्लस वन प्लस में लॉग एक्स प्लस में थ्री माइनस लॉग एम इंटू एन, यहाँ बन गया एम इंटू एन, तो हो जाएगा लॉग एम अब प्लस में लॉग एन, ये हो जाएगा। अब यहाँ क्या कह लीजिए लॉग बाई ए पावर को गुना में आ जाएगा, लॉग एम पर पावर एन बन चुका, तो एन लॉग एक्स माइनस वन प्लस में लॉग टू एक्स प्लस वन प्लस में लॉग एक्स प्लस में थ्री, अब माइनस अंदर भेज देंगे तो ई के पावर एक्स है, एक्स आगे आ जाएगा तो एक्स लॉग ई, अब माइनस प्लस माइनस लॉग साइन एक्स, ये हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएट कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लॉग बाई का डिफरेंशिएशन वन बटा बाई और बाई का डी बाई बाई डी एक्स, दो रह गया लॉग के लिए एक्स बन गया, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन बटा एक्स और प्लस इस लॉग का डिफरेंस इसको एक्स, तो वन बटा टू एक्स प्लस में वन, एक्स के साथ जो गुना रहता है वो गुना हो जाता है, और प्लस इसका डिफरेंशिएट वन बटा एक्स प्लस में थ्री हो जाएगा माइनस एक्स, एक्स का डिफरेंशिएट वन, लॉग ई का मान होता है वन क्योंकि बेस में क्या छिपा हुआ ई, तो लॉग ई और बेस में ई का वैल्यू वन, और माइनस लॉग लॉग साइन का डिफरेंशिएट वन बटा साइन एक्स और साइन का डिफरेंशिएट हो जाएगा कॉस एक्स।
अब इसको यहाँ पे लिख लेते अच्छे से, तो ये बाई को इधर मल्टीप्लीकेशन करके तो ये आ जाएगा डी बाई बाई डी एक्स बराबर में बाई इंटू दो गुना वन, तो दो दो वाटा एक्स माइनस वन, तो यहाँ भी दो गुना वन तो दो वाटा टू एक्स प्लस में वन ये आ जाएगा। अब प्लस में वन वन बटा प्लस में वन बटा एक्स प्लस में थ्री वन गुना वन और वन आ जाएगा माइनस में वन और कॉस बटा साइन क्या लिख सकते हैं कॉट एक्स। अब बाई का वैल्यू पुट कर दीजिए, बाई बाई का वैल्यू ए रख देंगे, बाई का वैल्यू ए रख दीजिए और यही क्या हो जाएगा आंसर। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 22 का 20 का क्वेश्चन नंबर 4 है, तो 20 का क्वेश्चन नंबर 4 सेम तरीके से क्वेश्चन बनेगा, तो क्वेश्चन नंबर 4 खुद से कह लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर देखिए, अब पांचवा तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं 20 का, ए दिया हुआ और इसका कहा जा रहा है डी बाई बाई डी एक्स, याद कीजिए तो इसको लेट कर दीजिए, बाई बराबर फंक्शन दिया हुआ तो दोनों तरफ क्या लगा लेंगे लॉग, लॉग लगाएंगे तो एक्स प्लस वन के होल स्क्वायर एक्स माइनस टू के होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस फोर इंटू लॉग एक्स। अब दोनों तरफ लॉग लगा दिए, अब लॉग का फॉर्मूला लगा दीजिए क्या, लॉग एम एन पी क्यू, एम एन पी क्यू गुना में है तो सभी के साथ लॉग क्या हो जाएगा बट जाएगा प्लस के साथ, तो लॉग प्लस एक्स माइनस टू की होल स्क्वायर प्लस लॉग एक्स प्लस में फोर और प्लस में लॉग और इंटू लॉग एक्स, जैसे फॉर्मूला लॉग एम एन पी क्यू ये चार मल्टीप्लीकेशन में है तो क्या हो जाता है लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस में लॉग पी और प्लस में लॉग क्यू ऐसे बढ़ता है। तो उसी प्रकार से एम एन पी क्यू तो एम एन पी क्यू तो ये बट गया। अब डिफरेंस अब यहाँ पे लिख लेंगे लॉग बाई लॉग एम पर पावर ए पावर गुना में आ जाएगा टू लॉग एक्स प्लस वन प्लस में लॉग एक्स माइनस टू ये भी पावर गुना में आ जाएगा प्लस में लॉग एक्स प्लस में फोर प्लस में लॉग लॉग एक्स ए दिया हुआ। अब डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लॉग बाई का वन बटा बाई और डी बाई बाई डी एक्स होगा, दो कांस्टेंट है रहने दीजिए, लॉग ए बन चुका एक्स तो लॉग एक्स का हो जाएगा वन बटा एक्स प्लस ये दो को लॉग एक्स तो ये बन जाएगा एक्स तो वन बटा एक्स माइनस टू प्लस ए लॉग एक्स का हो जाएगा वन बटा एक्स और इस लॉग लॉग एक्स का हो जाएगा वन बटा लॉग एक्स इंटू इस लॉग का हो जाएगा वन बाई एक्स। अब इस बाई को इधर मल्टीप्लीकेशन में कर दीजिए डी बाई बाई डी एक्स तो बाई मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा दो गुना वन दो वटा एक्स प्लस में वन दो गुना वन दो वटा एक्स माइनस टू यहाँ पे वन वटा एक्स प्लस में फोर और वन गुना वन वन और एक्स इंटू लॉग एक्स। अब बाई का वैल्यू क्या कर दीजिए पुट कर दीजिए और इसका आंसर हो गया, इसका इसका क्या डिफरेंशिएट ए आ गया डिफरेंशिएट केवल बाई का पुट कर लेंगे वही हो जाएगा आंसर हाँ तो ए आ गया डी बाई इसका डिफरेंशिएट। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर इसका छठा 20 का क्वेश्चन नंबर छठा खुद से कह लेंगे क्योंकि सेम है ना क्वेश्चन 20 का 5 और 6 सेम है। तो ये चैप्टर आपका क्या हुआ 11.4 समाप्त हुआ। अब हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 11.5 उसमें है आपका पैरामेट्रिक थ्योरम वो हम लोग चलेंगे, पहले उसका कंसेप्ट पढ़ लेंगे और फिर उसका पढ़ेंगे एक्सरसाइज 11.5 अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। आज इतना ही, थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया।